गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवारजनों को, दोस्तों सारे देश को। दोस्तों स्टॉक मार्केट में कई बार इस तरह से मार्केट की कंडीशन में परिवर्तन आता है। कुछ दिन पहले तक टीवीएस मोटर शेयर के प्राइस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि स्टॉक बहुत ज्यादा गिर सकता है, लेकिन एक ट्रेडिंग सेशन में ये सारी संभावनाओं में परिवर्तन आया और ऐसा अब लग रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था वो ब्रेकडाउन एक फेलियर साबित हो सकता है। क्या इसमें खतरा टल गया है? तो इस वीडियो में हम इन संभावनाओं के ऊपर में चर्चा करेंगे, टीवीएस मोटर के शेयर का एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद प्राइस चार्ट पर चलेंगे जहां पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद टीवीएस मोटर शेयर का प्राइस टारगेट निकालने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। टीवीएस मोटर का जो शेयर है वो एक हाई अल्फा लो बीटा स्टॉक है और ऐसे ही स्टॉक बेहतर होते हैं जब भी हम ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं स्टॉक मार्केट में। तो इस स्टॉक का अगर हम अल्फा देखें तो इस स्टॉक ने 63.7% से बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 को पिछले एक साल में आउट परफॉर्म किया है। यदि हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इसने अंडर परफॉर्म किया है 11.6% से पिछले क्वार्टर में निफ्टी 50 को। इसका मतलब एक अपट्रेंडिंग स्टॉक में करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये अपॉर्चुनिटी है? इस करेक्शन की समाप्ति के बाद इसे प्राइस चार्ट पर चलेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस के दौरान इन बातों की चर्चा करेंगे। अब इसका बीटा जो है दोस्तों सिर्फ 0.91 है, ये काफी कम वोलेटाइल स्टॉक है, इसीलिए कम रिस्की स्टॉक है। अब चेक करते हैं कि मार्केट का रुझान क्या है। तो मार्केट के रुझान को देखने के लिए हम प्रमोटर्स होल्डिंग एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ट्रेंड को देखेंगे और म्यूचुअल फंड के ट्रेंड को देखेंगे। तो पिछले रिपोर्टिंग क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को घटाया है मार्जिनली 50.81% से 50.27% पे। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफपीआई ने इंक्रीज किया है अपने होल्डिंग को 12.64% से वो लेके गए हैं 14.45%। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी इसमें बाइंग आती हुई नजर आई है और होल्डिंग बढ़ी है पिछले रिपोर्टिंग क्वार्टर में 18.68% से 19.04%। तो मार्केट का रुझान जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव नजर आ रहा है। टीवीएस मोटर शेयर से रिलेटेड अगर हम लेटेस्ट न्यूज को देखें तो जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया, क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आया उसमें इसके नेट सेल्स में 22.26% का इंक्रीज देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड शायद ये कारण थे कि स्टॉक ने एक सडन रिवर्सल दिखाया और एक बाइंग आती हुई नजर आई इस काउंटर के ऊपर में। टीवीएस मोटर के अगर अर्निंग के ग्रोथ फोरकास्ट को देखें तो ये 28.8% से पर ईयर के हिसाब से बढ़ने की संभावना है जो ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडस्ट्री के फोरकास्ट जो ग्रोथ रेट है उससे बेहतर नजर आ रहा है। टीवीएस मोटर का जो शेयर है दोस्तों आज की प्राइस में वैल्यूशन में थोड़ा सा एक्सपेंसिव नजर आ रहा है क्योंकि इसकी जो फेयर पी रेशियो है जो कैलकुलेट किए सिंपली वॉल स्ट्रीट ने वो कैलकुलेट किए 35.4 जबकि करंट पी जो रेशियो है वह है 38.8। तो यहां पर थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। तो चलिए अब स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। टीवीएस मोटर के शेयर पर पहले एक हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये मंथली प्राइस चार्ट को हम देख रहे हैं, यहां अगर गौर से देखें तो ये एक नाइस अप ट्रेंडिंग मूव में था और इसने यहां पर क्लोजिंग बेसिस पे एक लाइफ टाइम हाई बनाया 748.85 का और ये बनाया इसने दिसंबर 2017 में। और इसके बाद डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई और मार्केट का फाइनली यहाँ पे डाउन ट्रेंड की समाप्ति हुई और यहाँ समाप्ति होने की संभावना थी पहले भी क्योंकि
क्योंकि यहां पर पहले प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रिजेक्शन था, तो इस जगह पे एक संभावित था कि करीब 290 के आसपास में ये डाउन ट्रेंड की समाप्ति होने की संभावना दिख रही है। और इसके बाद में क्या हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता हुआ नजर आया और ये जो टॉप था इसका फाइनली यहां पर ब्रेकआउट हुआ जून 2022 में। तो ये करीब 4.5 साल का राउंडिंग पैटर्न का एक ब्रेकआउट था। ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि प्राइस में एक्सपांशन देखा गया और एक अपसाइड मूव देखा गया, सी मासिव इंपल्सिव वेव का ये फॉर्मेशन किया। अगर करंट मंथ में देखें तो वैसे तो प्राइस में करेक्शन यहां रिसेंटली हुआ है, लेकिन करंट मंथ की कैंडल को अगर गौर से देखें तो एक बुलिश पिन बार जैसा फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक ने करंट मंथ में एक लो बनाया 967.55 का और इस करंट मंथ में ही इसमें 7% से अधिक की रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये करेक्शन की समाप्ति है? चलिए कुछ और प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं एक और चार्ट पैटर्न आपको खींच के दिखाता हूं। यहां पर देखिए प्राइस का डाउनसाइड था, लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस ऊपर गई, ये हेड का फॉर्मेशन किया और यहां मैं इसे अगर प्रोजेक्ट करूं तो ये देखिए ये राइट शोल्डर एक राइजिंग नेकलाइन का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है और इस प्राइस एक्शन के अनुसार ये जो रीसेंट करेक्शन है ये कहीं ना कहीं नेकलाइन पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो संभावित लार्जर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि करेक्शन की समाप्ति हो सकती है। अभी हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में भी इसकी एनालिसिस करके प्राइस एक्शन को फाइन ट्यून करेंगे। अब यहां पर अगर हम टारगेट दो तरीके से निकाल सकते हैं इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, एक तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो यहां ब्रेकआउट हुआ तो इसके अनुसार इसका टारगेट जो है अगला वो निकल के आ रहा है 1600 के आसपास में। यहां देखिए 1600 का ये टारगेट निकल के आ रहा है। अगर हम देखें इस टारगेट के अनुसार क्या पोटेंशियल रिटर्न की संभावना है करंट मार्केट प्राइस से, तो अभी भी इसमें 52-53% का अपसाइड का कुशन नजर आ रहा है। अब यहां पर हम दूसरे तरीके से भी टारगेट को निकाल सकते हैं क्योंकि राउंडिंग पैटर्न भी हमने देखा है, तो चलिए राउंडिंग पैटर्न के आधार पर हम टारगेट निकालते हैं। तो इसका पहला टारगेट जो है राउंडिंग पैटर्न के आधार पर आता है 1491। तो 1491 के आधार पर अगर हम इसके पोटेंशियल रिटर्न को जानने की कोशिश करें करंट मार्केट प्राइस से, तो ये रिटर्न निकल के आता है करीब 42-43% का। इन एनी वे हम अगर इसको कैलकुलेशन को देखें तो इसमें अपसाइड मूव करने का कुशन तो नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं यहां पर वीकली प्राइस चार्ट में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। यहां देखिए रिसेंट टाइम में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ और ये करेक्शन हुआ, पुल बैक हुआ, प्राइस का रिजेक्शन हुआ। ये टिपिकली ABCD पैटर्न है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया है। जहां प्राइस ने सपोर्ट लिया है इसको क्लोज देखें, करंट वीक की कैंडल एक बुलिश एनगल्फिंग का निर्माण कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी क्लोजिंग जो है वो EMA 21 के ऊपर में हुई है और ये जगह को ध्यान से देखें, इस जगह में 3 सप्ताह तक प्राइस ने स्ट्रगल किया था और लार्ज अपर शैडो का फॉर्मेशन कैंडल कर रही थी। प्राइस का रिजेक्शन का ये एरिया था, वहीं प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये करेक्शन की समाप्ति होने की संभावना नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट पर ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन की हम स्टडी कर सके। अब हम डेली प्राइस चार्ट को जब देखते हैं तो रीसेंट टाइम में एक मेजर करेक्शन हुआ और यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनता हुआ नजर आया जिसकी चर्चा वीडियो के शुरुआत में मैंने की थी। यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन किया और यहां पर देखिए ये राइट शोल्डर का फॉर्मेशन करने के बाद ये ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया। अब यहां पर एक खतरा क्या है, जो मैंने बोला क्या खतरा टल गया है, अभी खतरा टला नहीं है। उसका कारण मैं बताता हूं क्यों नहीं टला है, क्योंकि EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस अंडर कर लिया, लेकिन यहां पर एक स्ट्रेंथ क्या नजर आ रही है, यहां पे प्राइस ने जो लो बनाया उसके बाद में 2 दिन तक फॉलो थ्रू नहीं हुआ और लास्ट कैंडल आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, वहां पर एक कहीं ना कहीं बुलिश किकर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जिसकी क्लोजिंग इस नेकलाइन के ऊपर में होती हुई नजर आ रही है।
तो अब यहां पर एक संभावना तो नजर आ रही है कि शायद ये हेड एंड शोल्डर जिसका ब्रेकडाउन हुआ था, अगर ये ब्रेकडाउन के हिसाब से नीचे की गिरने की संभावना काफी बड़ी नजर आ रही थी, अगर ब्रेकडाउन पॉइंट से देखें तो इसके गिरने की संभावना जो थी वो नजर आ रही थी 925 के आसपास में। तो ऐसा हुआ नहीं, फॉलो थ्रू नहीं हुआ। अब ये कहना आज की डेट में मुश्किल है, ये मेयरली पुल बैक है और यहां से प्राइस का रिजेक्शन हो सकता है क्योंकि प्राइस जस्ट नेकलाइन के पास में करेंटली ट्रेड हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में मैं ये ड्राइंग को हटाता हूँ, हमें क्या करना चाहिए? जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कि हमको स्टॉक में एंट्री करना है। मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, आप यहाँ ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, ये ट्रेंड लाइन बहुत सिग्निफिकेंट है और सिग्निफिकेंट है प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन और प्राइस का रिजेक्शन। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद हम इसमें एंट्री के बारे में विचार कर सकते हैं और जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो उस समय पे हमें क्वालिटी ऑफ ब्रेकआउट खाली चेक करना पड़ेगा। लार्जर टाइम फ्रेम में हमें ये नजर आ रहा है कि अपसाइड मूव काफी है, इसमें रिटर्न देने की क्षमता तो नजर आ रही है। एक नजर एक बार हम लोग मोमेंटम इंडिकेटर पे भी इसमें डालते हैं। यहाँ देखिए जो स्टोकास्टिक है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी से बुलिश क्रॉसओवर दर्शा चुका है। इस जगह पे लोअर लो का फॉर्मेशन है और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इस जगह पे जो लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस नजर आया है और RSI जो मोमेंटम इंडिकेटर है इसके ऊपर में हमें बुलिश स्विंग ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो ये सारी बातें इंडिकेट तो कर रही हैं कि कहीं ना कहीं प्राइस में करेक्शन की समाप्ति हो गई है और ये पुल बैक हो सकता है और प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इंतजार करना चाहिए, एक बार जब ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है तो उस समय क्या होगा ये आप देखिए, ये एक कहीं ना कहीं फॉलिंग चैनल में प्राइस ट्रेड हो रही है तो ये लार्जर पर्सपेक्टिव में ये एक बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट होगा। तो हमें यहाँ पर एक अलर्ट सेट कर देना चाहिए, जब भी ब्रेकआउट हो उस समय हमें क्वालिटी ब्रेकआउट की चेक करनी चाहिए कि क्वालिटी क्या नजर आ रही है। पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। नंबर टू, वॉल्यूम में सर्ज होना चाहिए। अगर पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट होता है तो ऐसा भी हो सकता है, मैं एक संभावित प्राइस एक्शन समझाता हूँ। यहाँ देखिए मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन खींची, ये क्या इंडिकेट करती है? प्राइस ने कई दिनों तक यहाँ पर सपोर्ट लिया और जब ये पुल बैक हुआ तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आया उसे और प्राइस का रिजेक्शन हो गया। तो 1110 से लेकर 1115 का जोन अभी भी एक रेजिस्टेंस के रूप में हम देख सकते हैं इस स्टॉक में। कई लोग इसको पीछा करते एंट्री किए होंगे और फिर यहाँ देखिए नुकसान हो गया क्योंकि ये एंट्री करने की जगह नजर नहीं आ रही थी क्योंकि ये प्राइस का कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था। तो अब यहाँ पर जो ब्रेकआउट अगर इसका होगा तो वो ज्यादा बेहतर ब्रेकआउट होगा क्योंकि प्राइस में करेक्शन के समय में ये बहुत स्मॉल बॉडी कैंडल बन रही थी और यहाँ पर अगर तीन कैंडल को कंबाइन करें तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग स्टार भी हम इसे बोल सकते हैं। तो प्राइस चार्ट में अलर्ट सेट कर दें जब भी अलर्ट ट्रिगर हो, फिर से एक बार डिटेल एनालिसिस करके, क्योंकि क्वेश्चन अपसाइड का काफी ज्यादा नजर आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार होता है कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अति शीघ्र।